कोलकाता के न्यू टाउन में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाने में मिली सफलता। मध्य प्रदेश के इंदौर में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के द्वारका में स्कूल की बस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के सीकर में ट्रक और कार की टक्कर, हादसे के बाद लगी भीषण आग। सीकर हादसे में कार सवार 7 लोगों की गई जान, दोनों गाड़ियां जलकर हुई राख। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, कार ने कई लोगों को रौंदा, एक महिला की मौके पर ही गई जान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ और पुलिस ने बचाई शख्स की जान, अचानक बेहोश हुए युवक को वक्त रहते ही मेडिकल सुविधा दी गई। हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में श्रद्धालुओं की पिटाई, आचार्य महामंडलेश्वर के कर्मचारियों ने लाठी डंडों से पीटा। मुजफ्फरनगर में मकान का लिंटर गिरने से हादसा हुआ, मलबे में दबने से एक शख्स की गई जान। मुजफ्फरनगर हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में करेंगे जनसभा को संबोधित, तमिलनाडु के तिरुवेली में भी रैली। कर्नाटक के मंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। कर्नाटक के मैसूरू में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के सुल्तान। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर त्रिपुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित, शाह शाम 6 बजे जयपुर में रोड शो करेंगे। उत्तराखंड के मसूरी में जेपी नड्डा की रैली आज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कठुआ में करेंगे जनसभा। बिहार के बांका में राजनाथ सिंह ने कहा आरजेडी का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो पीएम को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हासीमारा में राजनाथ सिंह की जनसभा का, टीएमसी ने बंगाल के लोगों को गुमराह किया और धोखा दिया। बिहार के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, औरंगाबाद और नवादा में रैली को करेंगे संबोधित। यूपी के 75 जिलों में बीजेपी नेता देंगे 10 साल का लेखा जोखा, बताएंगे मोदी की गारंटी। लखनऊ में सीएम योगी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरठ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुरादाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कानपुर में ब्रजेश पाठक बताएंगे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। रुड़की में सीएम योगी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए किया प्रचार, जनता से वोट देने की अपील की। रुड़की में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह कपड़े पहने बच्चे ने की उनसे मुलाकात, मुख्यमंत्री ने गुलदस्ता देकर किया उसका स्वागत। मध्य प्रदेश के मंडला में देखी पूर्व सीएम शिवराज के लिए लोगों में दीवानगी, बारिश के बावजूद लोगों ने सिर पर कुर्सी रखकर सुना शिवराज सिंह का भाषण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, मंत्रोच्चारण के साथ सीएम ने किया हवन पूजन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट, 10 उम्मीदवारों की घोषणा की। टिकट मिलने पर उदित राज ने कांग्रेस नेतृत्व का किया धन्यवाद, कहा सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पंजाब के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस उम्मीदवार।
मध्य प्रदेश के सतना में प्रियंका गांधी की रैली आज, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी जनसभा को करेंगी संबोधित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का चुनाव प्रचार, जमीन पर बैठकर खाना खाते दिखी एक्ट्रेस। शिमला में विक्रमादित्य सिंह ने किया चुनाव प्रचार, कहा मुंबई से कुछ बरसाती लोग भी आ रहे हैं, उनका बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है। बंगाल के कूचबिहार और अलीपुरद्वार के दौरे पर सीएम ममता बनर्जी जनसभा को करेंगे संबोधित। जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार, रोड शो के दौरान कलाकारों के साथ किया लोक नृत्य। पश्चिम बंगाल के बसेरहाट में सुवेंदु अधिकारी का चुनाव प्रचार, प्रत्याशी रेखा पात्रा के समर्थन में की पदयात्रा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, सोशल मीडिया पर लिखा ये बीजेपी के विरोध में राजपूत समाज का जनसैलाब। समाजवादी पार्टी ने बताया से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य को दिया टिकट, बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। आज फिर पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगी मायावती, रामपुर और मुरादाबाद में जनसभा को करेंगी संबोधित। यूपी में मुजफ्फरनगर में मायावती का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की घोषणा की। वाराणसी से बीएसपी ने घोषित किया अपना उम्मीदवार, अतहर जमाल लारी लड़ेंगे पीएम के खिलाफ चुनाव। भूपेश बघेल ने कहा जितने भ्रष्ट हैं वो बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कब कार्रवाई करेंगे पीएम। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव का मोदी सरकार पर निशाना, कहा इनकी कोई गारंटी नहीं है, मौजूदा सरकार पूरी तरीके से विफल। पटना में तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा अगर ईडी आईजी सीबीआई और धनबल ना हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड पर बीजेपी की 100 सीट भी नहीं आएगी। आज तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात करेंगे भगवंत मान, दोपहर 12 बजे दोनों नेताओं की होगी मुलाकात, प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म, राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें किया जाएगा पेश। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, गिरफ्तारी और ईडी की कस्टडी के खिलाफ है याचिका, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही माना था। बीआरएस नेता की कविता की सीबीआई कस्टडी खत्म, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है दूसरी याचिका, जमानत से पहले की इनकार कर चुकी है कोर्ट। लुधियाना में बीजेपी की मीटिंग के दौरान हंगामा, आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता, जमकर हुई हाथापाई। पंजाब के रोपड़ में बीएसपी नेता की हत्या में पुलिस की कार्रवाई, आरोपी की तस्वीर जारी, जानकारी देने वाले को 1 लाख के इनाम की भी घोषणा। उत्तरी कमान के सेना कमांडर ने कश्मीर में किलो फोर्स मुख्यालय का किया दौरा, काउंटर टेरर और ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी ली। नागालैंड के दिमापुर में विखो गांव में नहीं है बुनियादी सुविधा, पानी स्कूल अस्पताल जैसे सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं लोग। ईरान से तनाव का भारत इजराइल उड़ानों पर भी पड़ा असर, एयर इंडिया ने अस्थायी तौर पर निलंबित की फ्लाइट्स।
मथुरा के शाही ईदगाह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर करने के खिलाफ लगाई है याचिका। अयोध्या में आज से 3 दिन तक 20 घंटे खुलेगा रामलला का धाम। रामनवमी पर 30 लाख भक्तों के जुटने का है अनुमान। मंदिर प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था, कसी कमर। वाराणसी में मनीष मल्होत्रा का फैशन शो, बनारसी साड़ी है शो का थीम। राजनयिक और राजदूतों ने लिया इसमें हिस्सा। काशी विश्वनाथ धाम में रणवीर सिंह ने किए दर्शन, अभिनेत्री कृति सनन भी उनके साथ रही मौजूद। रणवीर और कृति ने दशाश्वमेध घाट का किया दौरा, क्रूज पर बैठकर गंगा की सैर की। गोलगप्पे देख इमोशनल हुए विकी कौशल, सोशल मीडिया पर शेयर की चीट मेल वीडियो।